मध्य प्रदेश की विदिशा के सिरोंज में तीन अज्ञात चोरों ने एक सराफा व्यापारी को इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर लाखों रुपए का चूना लगा दिया। बताया जा रहा है कि तीन अज्ञात लोग सराफा व्यापारी की दुकान पर पहुंचे और इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर सोने के करीब 400 ग्राम के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे दिन सीसीटीवी कैमरे की छानबीन करती रही, लेकिन अभी तक अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं पुलिस अज्ञात चोरों की छानबीन कर रही है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आज प्रातः 10 और 11 बजे के बीच में सराफा मार्केट सिरोंज में हर्ष कुबेर जैन सराफा व्यापारी है, जिसके यहाँ पर तीन व्यक्ति आते हैं अज्ञात और अपने आप को इनकम टैक्स के ऑफिसर बताए हैं और अपनी उनकी दुकान चेक करने के लिए बोलते हैं। उनके द्वारा दुकान चेक करवाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि गोल्ड का क्या क्या सामान रखा हुआ है वो निकाल करके उन्होंने पेश करवाया और उसके बाद उन्होंने तोला और तोलने के बाद में हम इनकम टैक्स के हैं, अब इनको लेकर के जा रहे हैं, ऐसा करके वो छल पूर्वक गोल्ड लेकर के चले गए हैं। कितना गोल्ड था, लगभग क्या धाराएं लगकर एफआईआर की? धारा 420 384 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कितना सोना था उनके अनुसार? 418 ग्राम बता रहे हैं। कितनी लागत मार्केट रेट? लागत तो अभी हम लोगों ने क्लियर नहीं करी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।